हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है कन्फाइंड स्पेस एंट्री। ठीक है, इससे पहले ना मैंने आपको समझाया था कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में कि परमिट क्या होते हैं, परमिट्स क्यों रिक्वायर्ड होते हैं और किस जगह पर रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि परमिट्स जो हैं वो क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसे सेफ्टी के साथ कर सकें। किसी भी काम को करने के जाने के लिए हमें सेफ्टी डिपार्टमेंट से एक वर्क परमिट इशू होता है, तभी हम उस वर्क पर जा सकते हैं। क्योंकि जब वो परमिट इशू होने के बाद हम काम करते हैं तो वो पूरा सेफ्टी के साथ होता है, क्योंकि उस पर जॉब एनालिसिस करी जाती है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस उस पर किया जाता है कि इस काम को करने में कितना रिस्क है, कितने हैजार्ड हैं, किस तरीके से हम हैजार्ड्स रोक सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। ठीक है, मैंने आपको एक और टॉपिक बताया था परमिट से रिलेटेड, सर्कमटेंसेज व्हेन परमिट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब क्या क्या परिस्थितियाँ हमें देखनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो ये मैंने आपको समझाया था, जैसे वर्किंग एट हाइट पे अगर आप कर रहे हैं काम, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, पूरा पीपीई से रिलेटेड। उधर जॉब सेफ्टी एनालिसिस करने के बाद परमिट इशू होगा। परमिट का पूरा मतलब यही है कि किसी काम को करने जाने के लिए हमें परमिशन लेना। परमिशन आपको वो तभी दी जाएगी तब वो वर्क प्लेस सेफ होगा आपके काम करने के लिए, तो ही आपको परमिशन मिलेगी। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से कन्फाइंड स्पेस एंट्री का एक अलग फिनोमेना है, क्योंकि वर्क एट हाइट सभी करते हैं, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, होगी उतनी नहीं होगी, एक्सकवेशन वर्क सभी करते हैं, हॉट वर्क, कोल्ड वर्क सब कुछ होता है। पर कन्फाइंड स्पेस क्या है, उसका नाम ही कन्फाइंड है, मतलब सकड़ी जगह जिसमें सिर्फ एक ही एग्जिट और एग्जिट और एंट्रिंग पॉइंट एक ही हो, उसके अलावा ना उसमें कोई विंडो हो ना कुछ और, तो उसे बोला जाता है कन्फाइंड स्पेस। ठीक है, जहाँ से एयर एंटर होने का भी प्लेस एक ही हो, जाने का भी एक ही हो, आने का भी एक ही हो, इंसान को भी उसके अंदर जाना है तो एक ही रास्ता हो। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जैसे कि टर्नल्स रहते हैं, कोल्ड स्टोरेज रहते हैं, शिप्स रहती हैं, टैंक्स रहते हैं, इनमें क्या रहता है, ये कन्फाइंड स्पेस ही तो है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कन्फाइंड स्पेस है। अब इसमें होने वाले हैजार्ड क्या हैं, देखिए पुअर एयर क्वालिटी हो सकती है, क्योंकि अगर आप किसी टैंक में, किसी स्टोर टैंक में एंटर कर रहे हैं तो उसमें फ्यूम्स तो होंगी ना, जो भी केमिकल भरा हुआ है, मैं तो पेट्रोल का टैंक मान रही हूँ। ठीक है, पेट्रोल टैंक है तो उसमें फ्यूम्स तो होंगी ना, तो इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, मास्क अगर वो वेयर करेगा सांस कैसे लेगा। तो कन्फाइंड स्पेस में जब वो जा रहा है उसको क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे, वो सारी चीज़ें हमें उसे कैरी करवानी होगी। अब कैरी कैसे करेगा, तो हमें उसके अकॉर्डिंग एक छोटा सेट जो होता है, बियरिंग सेट जो रहता है, ब्रीथिंग एपरेटस जो रहता है जिसे वो लेके जाएगा, जैसे कि इसके पीठ पे आप देख रहे हैं एक सिलेंडर लगा हुआ है, वो उसका ब्रीथिंग एपरेटस है, इतना होना चाहिए कि वो एक जहाँ से एंटर कर रहा है, एग्जिट करना है उस डोर पे, उसमें वो फिक्स हो जाए, मतलब वो निकल के जा पाए। ठीक है, तो हैजार्ड्स काफ़ी सारे होते हैं कन्फाइंड स्पेस में, जैसे कि पुअर एयर क्वालिटी मैंने आपको बताया, केमिकल एक्सपोजर्स रहते हैं, फायर हजार्ड रहते हैं। फायर हजार्ड कैसे, अब जैसे कि मान लीजिए अंदर वेल्डिंग करनी है, अब वेल्डिंग तो करनी है पर वेल्डिंग से जो लगने वाली जो आग है वो कैसे हम टैकल करेंगे, क्योंकि वहाँ से क्या स्पार्कल्स निकलेंगे, जब स्पार्कल्स निकलेंगे जब वेल्डिंग करते हैं तब आपने देखा होगा कि कुछ फ्यूम्स तो रहती हैं, फ्यूम्स किसकी रहेंगी, आपके मटेरियल की, जो भी स्टोरेज टैंक है उसकी फ्यूम्स रहेंगी। ठीक है, तो फ्यूम्स के साथ साथ जो बची हुई चीज़ें हैं, जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो आग लगने के जो चिंगारियाँ निकलेंगी, चिंगारियों की वजह से आग लग गई तो ये भी एक हैजार्ड है। ठीक है, तो ऐसी नॉइस, सेफ्टी हैजार्ड, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आपको फेस करने को मिल सकती है कन्फाइंड स्पेस पे। तो हमें क्या करना है, हमको अपनी सेफ्टी रखनी है, तो हम सेफ्टी कैसे रखें, हमारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हम वो साथ में लेके जाएं, उसके फ्यूम्स जो हैं वो बाहर निकलवा दें, इस तरीके से हम वहाँ पे सेफ्टी रख सकते हैं। अब क्या है, कन्फाइंड स्पेस का वर्क परमिट कैसे मिलेगा, कन्फाइंड स्पेस का वर्क परमिट उसी को दिया जाता है जिसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, पहली बात तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम ना हो, ब्रीथिंग डिसीज ना हो, उसको वही कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाएगा। अब उसके बाद सारे इक्विपमेंट चेक किए जाते हैं, क्या ब्रीथिंग एपरेटस जो उसमें पूरी गैस है, ऑक्सीजन है उसमें, मास्क उसका ठीक से वो वियर करेगा तो ठीक से सांस ले पाएगा, ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। और उसके अंदर कन्फाइंड स्पेस के अंदर वही एक्सपीरियंस्ड पर्सन जाएगा जिसे पहले से ही हैबिट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान है जिसे कभी गया ही ना हो उसको आप कन्फाइंड स्पेस में भेज दें तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो कन्फाइंड स्पेस का पूरा यही है कि
एक इस तरीके की इतनी इनक्लोज्ड सरफेस रहता है उसका, इनक्लोज्ड कंडीशन रहती है जो लिमिटेड एक्सेस देती है आपको, जो कि हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो उसके लिए बाहर एक उसका असिस्टेंट भी खड़ा होगा जो उसे असिस्ट करेगा, उसके लिए इमरजेंसी कॉलिंग भी रहेगी, एक इंसान बाहर रहेगा उसके लिए हमेशा, है ना। तो ये मैंने कन्फाइंड स्पेस आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, पर परमिट्स की बात चल रही है तो मैंने एक बार और एक्सप्लेन किया ये कन्फाइंड स्पेस आपको। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के टॉपिक है ये कन्फाइंड स्पेस एंट्री, ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे वर्क है जो कन्फाइंड स्पेस में करने पड़ते हैं, किए भी जाते हैं, तो इस वजह से ये कन्फाइंड स्पेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया आज, ठीक है। तो कन्फाइंड स्पेस में ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें मतलब हमारी सेफ्टी का ध्यान रखना है। सेफ्टी का ध्यान हम तभी रख पाएंगे जब हमें उसके बारे में नॉलेज हो, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको कन्फाइंड स्पेस एंट्री के बारे में बताया, इसके हैजार्ड्स क्या क्या रहते हैं और परमिट कैसे इशू होता है। देखिए परमिट इशू होने का प्रोसीजर सिर्फ एक ही है, हमें उसकी जॉब सेफ्टी एनालिसिस करनी होती है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस जब कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है यहाँ कितना रिस्क है और हम रिस्क कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो वो जब वो रिस्क कंट्रोल हो जाता है देन उसके बाद ही वर्क परमिट इशू होता है, और जब वर्क परमिट इशू होता है तो ही कोई इंसान वहाँ वर्क करने जा सकता है, ठीक है। तो कन्फाइंड स्पेस एंट्री यहाँ से क्लियर आपको हो गई होगी, और बाकी के जो परमिट्स हैं वो यही था कि परमिट्स का मेन जो मोटिव रहता है, जो हम क्यों इशू करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि जो भी काम हो रहा है वो सेफ्टी के साथ हो सके, है ना। सो थैंक यू।